अस्सलाम वालेकुम पाइसिस, मैं हूँ शेख जवार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद और सना है रब्बुल इज्जत की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पाइसिस वीकली हॉरोस्कोप 15 to 21 अगस्त, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? पाइसिस सबसे पहले तो बताता चलूँ कि पिछले एक महीने से तकरीबन जो आपके साथ सेटबैक चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रही थी, उनका काफ़ी हद तक जो है वो इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा। इस हफ्ते में जो नई खबरें हैं वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होंगी। स्पेशली वीनस का जो है वो अपना घर चेंज करना, जो कि 16 अगस्त को ये आपके जाइचे के 8वें घर में चला गया है। 8th पोजीशन इसकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि लिब्रा में गया है इसलिए मामलात को फिर भी कुछ बैलेंस रखने में मदद देगा। तीसरे घर का हाकिम है कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ें, ये सब मैं आपको बताता हूँ। मरकरी अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा 20 अगस्त को, यानी अतारत जो है इसको शर्फ होगा, जो कि आपके चौथे और आपके 7वें घर का हाकिम है और 7वें घर में ही इसको जो है वो शर्फ होने जा रहा है। सो ये भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित होने वाला है। सन अपने ही घर में छठे घर में मौजूद है, सो छठे घर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जो है वो भी इम्प्रूव करने का 22 बन रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि एमरल्ड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, चूँकि ये मरकरी से रिलेट करता है और जुपिटर से भी रिलेट करता है, दोनों से रिलेट करता है। अब अगर देखें, अगर आप तो पाइसिस के असेंडेंट में जब भी मरकरी आता है तो ये कमज़ोर हो जाता है, डेबिलिटेशन है यहाँ पर इसकी। सो इसके लिए आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये बड़ा सेंसिटिव होते हैं पाइसिस के लोग, तो इसके लिए आपके लिए एमरल्ड इज़ द बेस्ट स्टोन। लेकिन यहाँ पे ये भी जब बताता चलूँ कि कुछ और मकासद के लिए, जैसे आपकी शादी है, आपकी जॉब है, आपका करियर रोज़गार है या ओवरसीज ट्रैवल है, उसके लिए अलग स्टोन जो है वो पहने जाते हैं कई लोग, बल्कि अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कोई एक स्टोन बता दें जो हमारे सारे ये सारे काम जो है वो कर दें। सो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जैसे कि हर मर्ज़ के लिए एक अलग दवा होती है, बिल्कुल इसी तरह हर मसले के लिए स्टोन भी अलग होते हैं। आज सबसे पहले जो बात करूंगा वो मैं वीनस पे करूंगा। वीनस एक हमारी दुनिया में जो मादियत से मुतल्लिका सैयारा है, इसको हम जोहरा कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका अपना जो रूलिंग प्लेनेट है जुपिटर, इसको वजीर खजाना कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ रुपया प्रोवाइड करता है, दुनियावी लज्जतें, दुनियावी जो हमारे प्रोग्रेसेस होती हैं और बाकी चीज़ें इस तरह की, ये वीनस के अंडर जो है वो आती हैं। अब वीनस है आपके थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव। सो अगर ये थर्ड हाउस का है तो थर्ड हाउस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपकी करेज है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको जो है वो क्वालिटीज़ मिलती हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो बेहतर कर पाते हैं, और यही आपकी स्पीच है, आपकी थॉट है, ये सब कुछ भी थर्ड हाउस के अंडर आता है। एजुकेशन अगर आप देखें, आप अपनी बेसिक एजुकेशन, वो भी वीनस के अंडर आती है। सो इन तमाम चीज़ों में जो है वो आपकी बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, और इसी तरह कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपको मिल सकेंगे। बहन भाई, बिलखसूस छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप आपकी जो है वो बहुत बेहतर होगी। आपकी राइटिंग जो है वो स्मूथ होगी, डेफिनेटली अगर राइटिंग स्मूथ होगी इसका मतलब कि आपकी मेंटल जो कंडीशन है वो भी लेवल बैलेंस पे जो है वो जाना स्टार्ट हो गई। अगर ये बैलेंस पे नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आपकी राइटिंग भी कैसे जो है वो बेहतर हो सकती है। इसी तरह आप पहले से कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करके अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते से आप समझ लीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है आपको, वो बढ़ती चली जाएंगी और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आप बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में जाएंगे, और पहले आप जो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे थे वीनस के डिबिलिटेशन की वजह से, अब वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा वीनस चूंकि 8th हाउस में है तो डेफिनेटली ये 8th हाउस में जो इसका अपना घर है, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा अभी इसके यहाँ पे आने से आपके लिए कुछ मसाइल बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके जो हर्डल्स हैं, आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो कम होती चली जाएंगी, ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर कोई स्कैंडल्स चल रहे थे, कोई आपके अगेंस्ट ग्रूमिंग्स वगैरह चल रही थी, वो भी कम हो जाएंगे। दूसरों से व्यवस्था आपके मादी मफादात वो पूरे हो सकते हैं। अगर आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है
तो वो आपको मिल सकेंगे। इसके अलावा जो गेन्स हैं आपके, आपने अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स जो है वो मिल सकेंगे। आपके बहन भाई आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल जो है वो साबित होंगे। इसके अलावा आपको शाकदारी की ऑफर हो सकती है, चूंकि मरकरी यहाँ पे मौजूद है सेवंथ हाउस में, सेवंथ हाउस का लॉर्ड होके मार्स भी यहीं पे मौजूद है, थोड़ा सा आपके जो स्पाउस हैं चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं उनके लहजे में थोड़ा सा खड़ापन आएगा, लेकिन शायद आप ये समझें कि कुछ तलख बातें हो रही हैं लेकिन वो मबनी पर हकीकत होंगी। आपको आप देखेंगे कि वो हकीकत के कितने करीब हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई मसाइल चल रहे थे जो कि वीनस के वहाँ पे होने की वजह से थे, तो उसमें आपके ख़ानदान के अफराद, आपकी फैमिली के जो लोग जो हैं उसमें पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करेंगे और आपका मामला इंशाल्लाह जो है वो हल होता चला जाएगा। इसी तरह मार्स की आपके जायचे के सेवन्थ हाउस में पोजीशन जो है ये शो करती है कि आपके और आपके शरीके कार के माबैन जो है कुछ माली मामलात को लेके तो कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, इवन के बाद जो है वो ब्रेक इवन तक भी जा सकती है। और इसी तरह कुछ आपके जो सिस्टर इन लॉ हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी मुदाखलत से भी आपके और आपके स्पाउस के माबैन जो है कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहता चलूँगा कि मरकरी इन चीज़ों को रोकने में आपकी मदद करेगा। मरकरी आपके स्पाउस को सूझबूझ अता करेगा और इसमें आपकी फैमिली एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेगी, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखना ही है कि आपको अफवाहों पे यकीन नहीं करना, और अगर आपका जो स्पाउस हैं आपके वो चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर वो कोई गलती करते हैं कोई मामलात को समझ नहीं पाते, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह मरकरी इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर लेगा। दूसरी चीज़, आपको अच्छे पढ़े लिखे लोगों की सोहबत जो है वो मिल सकेगी, और इस वक्त आपके घर में कुछ लिटरेरी किस्म का माहौल होगा, चाहे किसी छोटे टॉपिक पे बड़े टॉपिक पे गुफ्तगू होगी जो कि बड़ी ही तामीरी होगी, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सवारी और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जो है वो आपका स्पाउस आपकी अच्छी हेल्प कर सकता है। इसी तरह ख़ानदान के अफराद भी इस मामले में एक अहम रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, स्पेशली आपके जो छोटे हैं एज में वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं, और आपकी वालदा भी चूँकि चौथे घर का हाकिम आया है सातवें घर में, सो ये तमाम सेक्टर आपके लिए बड़े ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सन मौजूद है जायचे के छठे घर में। सन कहता है छठे घर में कि आप अपने दुश्मनों को दबाने में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये भी मैं बता दूँ कि ये कोई आम से मुखालफिन आपके नहीं होंगे। इस वक्त जो भी आपके अगेंस्ट हिडन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उसको तो नुकसान उठाना पड़ेगा, चूंकि बारहवें घर में आप जुपिटर सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड हो गए, लेकिन छठा घर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए जो ज़ाहरी मुखालफतें करने वाले हैं उनसे आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि इसको टैकल करने की बजाय इसको जो है वो आप गुजार दें, थोड़ा सा टॉलरेंस से काम लें, और परवरदिगार ने इस वक्त आपको सूझबूझ भी दिया, आप इसको इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। दूसरी चीज़, आपकी सेहत और मुलाजमत दोनों में बेहतरी आएगी, बेहतर एम्प्लॉयशिप आपको मिल सकेगी, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी बेहतर मौके आपको जो है वो मिलेंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जो सीनियर के साथ रिलेशनशिप इस वक्त आपका है वही आपको वहाँ भी मिलना है। इसी तरह आपकी मदर लॉ के साथ जो रिलेशनशिप आपके चल रहे हैं उसमें आपको कदर एहतियात के साथ चलना है, मैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेशली वो डेफिनेटली मदर लॉ तो उनकी होती है जिनकी शादियां पहले से हो चुकी हैं, यहां पे आपको थोड़ी एहतियात करने की जरूरत होगी। इसके अलावा मेन थिंग मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में कह चुका हूं कि पाइसिस के लोगों को जो उनके मामूलात में ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं उसके अलावा स्पिरिचुअली कोई भी नई चीज़ों को शुरू करने से कतई तौर पर गुरेज करना चाहिए, ये आपके लिए इंतहाई मोहतात रहने का जो है वो मौका होगा। उम्मीद करता हूँ इन मालूमात की रोशनी में आप अपने मामलात को समझने में और उनको सुधारने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इनसे मुस्तफीद हों तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। मरकरी से रिलेटेड वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे भी मिलेगी और नीचे आपको उसका एक लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप मरकरी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि 20 तारीख को एन अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।